सो हाई गाइज, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24, पार्टनर ऑफ एडुग्रोन। सो गाइज, आज काफ़ी अच्छी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जनरली उत्तर प्रदेश डिप्लोमा की जो डिप्लोमा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट या एडेड गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यार आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। फुल डिटेल अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस है, क्या है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप हमें ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं कॉलेज ज्ञान 24 यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप हमारे मेन चैनल एडुग्रोन को भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलीटेक्निक 2021 की नोटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि एग्जाम कब होने को है। तो जून 15 से लेकर जून 20 के बीच में 15 से 20 तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, इनका नंबर दे रखा गया है, आप इनसे कॉल से बात भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में अगला आते ही कह रहा है, कैंडिडेट ऑफ यूपी JEE यानी पॉलीटेक्निक 2021 हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। सिर्फ ऑनलाइन मेथड है अप्लाई करने का। देयर इज नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर UPJEE, कोई भी ऑफलाइन मोड या प्रिंटेड वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनकी जो जेन्युइन वेबसाइट है https://jeecup.nic.in, इससे ही अप्लाई करना है। वैसे मैं अपने आर्टिकल में आपको लिंक दे दिया हूँ, तो कोई भी फिकर लेने वाली बात नहीं है। अब कितनी फीस लग रही है तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल OBC SC ST का ₹350 लग रहा है पर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस बैंक चार्ज अलग से रहेगा। साथ ही साथ ₹250 पर एप्लीकेशन फॉर्म प्लस बैंक चार्ज अलग रहेगा। ये जनरल OBC SC ST सबको देना होगा, ठीक है। The candidates should select the cities of examination as per their choice of group A or group E for rest of group for all examination of UP, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चाहिए, तो आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। तीनों में अपने जो भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, आप स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट हो, तो उसमें आप अप्लाई कर देना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन मिल जाएगा एग्जाम का। आगे और भी डिटेल यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताया है कि एक बार फॉर्म भरने के बाद आप फिर उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें भरना, अच्छे से भरना, अपने टेंथ की मार्कशीट अच्छे से लगाना, जो भी डिटेल मांगेगा हर एक चीज़ अच्छे से लगाना है, ठीक है। और अगर दिक्कत आती है आपको फॉर्म भरने में तो हमसे बताना, हमसे कॉन्टेक्ट करो गाइज, हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। बट यार बहुत ही आसान है, अब इतना टफ नहीं रहा, इंटरनेट है ना, बहुत ही आसान रहा। लिंक पे क्लिक कर रहा है, सामने लिखा है डिटेल्स भरते जाना है और आप अप्लाई कर लो, है ना। खुद से ही कर सकते हो, कैफे में जाकर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, है ना, खुद से कर सकते हो। अगर लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल वगैरह है तो थोड़ा मत करना, मोबाइल में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है। अब यार इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आप जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो आपको एज लिमिट वगैरह सब अभी देखने वाले हैं, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एडमिशन क्राइटेरिया, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, ये सब इसमें पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, इसमें अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, स्कीम की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, किसके लिए, पॉलीटेक्निक के लिए, क्लियर है। अब बाकी अबाउट वगैरह आप इनको पढ़ सकते हो, ये नोटिफिकेशन के लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप आराम से इसको पढ़ लेना। एज लिमिट क्या है यार, आप टेंथ के हो, टेंथ क्लास में हो, एज लिमिट क्या, आप सब अप्लाई कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, लाइक इंजीनियरिंग से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, तो टेंथ पास होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ मिनिमम 35% से ऊपर आपके टेंथ में परसेंटेज होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे ये फॉर्म के लिए, ठीक है। जिसमें मैथ में 50% से ऊपर और फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% यानी अगर 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर से ऊपर होना चाहिए, लाइक दैट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा एग्रीकल्चर के लिए, तो टेंथ पास होना अनिवार्य है, 35% से ऊपर होना चाहिए, इसमें भी यही है। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 12th, ठीक है, अगर या फिर अगर 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके हैं तो भी आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
फिर फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, फैशन डिजाइनिंग होम साइंस टेक्सटाइल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिए 10th पास होना अनिवार्य है, 35% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, बाकी डिटेल आप यहाँ पे फ्लैश हो रहा है देख सकते हो। फिर मॉडर्न ऑफिशियल मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए ग्रुप डी में जो निकला हुआ है 12th पास होना अनिवार्य है हिंदी इंग्लिश से, सब्जेक्ट 10th और 12th दोनों में से कोई एक पास हो अप्लाई कर सकते हो। फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए डिप्लोमा लाइब्रेरी डिप्लोमा इन्फॉर्मेशन के लिए 12th पास होना जरूरी है तभी अप्लाई कर पाओगे, और बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ लिखा है। डिप्लोमा फार्मेसी 3 साल का, बाकी सब जो कोर्स है डिप्लोमा का 2 साल का होता है, फार्मेसी वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो पास्ट इन 10th प्लस 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट विद मैथ बायोलॉजी। ओहो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका रहना ही रहना चाहिए साथ में, अगर आपका मैथ्स या बायोलॉजी है तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट में या मैथ्स या बायोलॉजी तो भी तो ही आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% से ऊपर होना चाहिए, मैथ या बायोलॉजी में 50 से ऊपर है तब भी अप्लाई कर सकते हो। फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी निकला है ग्रुप एफ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी से तो बीएससी पास होना इसके लिए जरूरी है, यहाँ भी आप देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ग्रुप जी में भी अगर आप ग्रेजुएट हो एनी डिसिप्लिन से पास हो तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग से करना चाहते हो तो 12th पास होना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से करना चाहते हो तो 12th साइंस से अगर पास हो तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, 50% से ऊपर होना चाहिए परसेंटेज। उसके बाद लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आप नीचे रेफर बोल रहा है कि इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो ये हैं 2.9.3। तो यहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में लेना चाहते हो लेटरल एंट्री में तो इंटरमीडिएट साइंस और या इंटरमीडिएट साइंस विद वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो आईटीआई वगैरह कर रखे हो तो डायरेक्ट आप आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको यही लेटरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी ये डिटेल है, ये आप आराम से पढ़ लेना, मैंने मेन मेन चीज़ें आपको बता ही दिया है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है गाइस उसका थोड़ा ध्यान देना, एज लिमिट तो यहाँ कुछ उतना रखा नहीं गया है, सबके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है आप अप्लाई कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे फीस की बात करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फीस कितनी रहेगी। तो यार अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 10,370 रुपये फीस, ये मैक्सिमम फीस है गाइस। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस तो साल भर का 8,000-5,000 है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, है ना। तो ये अगर यार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आप एग्जाम में अच्छा नंबर ले आते हो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो यार। और हाँ, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आए, आपका नंबर ठीक ठाक आया है, आपको काउंसलिंग समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से काउंसलिंग करें कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले या फिर कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी कॉलेज ज्ञान 24 वेबसाइट की, डायरेक्ट गूगल में सर्च करना कॉलेज ज्ञान 24, ठीक है। वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे जुड़कर हम काउंसलिंग करवा सकते हो। मैं बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा कौन से कॉलेज को पहले डालना है, कौन से आपके नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप हमसे ज्वाइन जरूर करना। उसके बाद एडेड गवर्नमेंट यानी थोड़ा पार्ट प्राइवेट थोड़ा गवर्नमेंट रहता है, इस अगर ऐसे कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं तो 19,000 के आसपास आपकी साल भर का 19,000 रुपये आपका लगेगा फीस। और प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है तो फार्मेसी के लिए 45,000 तक चला जाएगा, 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्सेज वालों के लिए 30,000 चला जाएगा, डिप्लोमा आर्किटेक्चर के लिए 30,000, डिप्लोमा होटल के लिए 31,000 और 1-2 साल का ड्यूरेशन कोर्स वाले जो डिप्लोमा है फार्मेसी छोड़ के बाकी सब जो डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल उसके लिए 22,500 रुपये प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। अब इनके साथ जो प्राइवेट यूपी JEE के साथ जो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कॉलेजेस जो जुड़े हैं बच्चों वो अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं। वैसे नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो भी आपका एक नंबर आता है उस नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे IIT JEE है ना वैसे ही है, जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं एडेड नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, है ना, आप काउंसलिंग करोगे तो मेरा कहना है कि आप अगर प्राइवेट नंबर अच्छे नहीं आए हैं प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए तो आप इसके थ्रू ना जाएं, क्योंकि इसके थ्रू अगर आपको कॉलेज मिलता है तो यार वो मुंह मांगा पैसा आपसे चार्ज करेंगे 100% है। ये 30,000-31,000 नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ डिपार्टमेंट मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ठीक है ये सब डिपार्टमेंट में 15,000 में एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। कैसे क्या करना है आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, हम बहुत डिटेल में ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम पूरा गाइड करेंगे आपको किस तरीके से कम पैसे में आपका डिप्लोमा या जो भी कोर्सेस है वो हो जाए, ठीक है। चलिए आगे, अप्लाइंग एंड ऑनलाइन सबमिशन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट वगैरह करना है, इनका जो भी फीस वगैरह है बाकी मैंने आपको बताई दिया, फोटोज कलर फोटो ये सब चीज़ें लगेंगी, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, कहीं भी दिक्कत आए गाइज आप हमसे बेफिक्र कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में हमारा हर सोशल मीडिया नेटवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका लास्ट डेट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, जस्ट मैं आपके सामने ही नोटिफिकेशन रीड कर रहा हूँ, ओके। सो नोटिफिकेशन ढूंढ रहा हूँ मैं इसका, ओके। तो मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी पे देख लेता हूँ, इसमें लास्ट डेट गाइस ओके एग्जाम डेट लिखा है टिल मार्च, ओके पूरा मार्च,
ठीक है, लास्ट डेट इसका आया नहीं है, नोटिफिकेशन में भी नहीं शो है। मार्च से पहले यार, मतलब जनरली 20 मार्च से पहले अप्लाई कर लेना, ठीक है, 20 मार्च से पहले अप्लाई कर लेना। जून में एग्जाम होगा, लग जाना एग्जाम की तैयारी में, है ना, लग जाना एग्जाम की तैयारी में। एग्जाम कैसे तैयारी करें, क्या कौन सी बुक ले, कुछ भी दिक्कत है गाइज, आप हमसे बेफिक्र कॉन्टेक्ट करो, सब सोशल मीडिया आइकन्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आशा करता हूँ गाइज आज की जो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया ये काफ़ी पसंद आया होगा। जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, शेयर करो, अपने पार्टनर्स को शेयर करो, ताकि वो भी यार इस अप्लाई करें। यार गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल रहा है ना तो बहुत है, और कम नंबर भी आया है ना गाइज तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस हो जाता है अगर आप काउंसलिंग ढंग से करो तो, और नहीं हो रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपका काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।